हेलो एवरीवन, दिस इज नीता हावेकर एंड वेलकम बैक टू क्यूरियस रिएक्शन। गाइस, आज हम लोग यंग गालिब का एक सॉन्ग है ऑल नाइट, आज हम उस सॉन्ग के रिएक्शन देने वाले हैं। और ये जो सॉन्ग है उसकी रिक्वेस्ट दी है एमिलेक ने, सो थैंक यू फॉर रिक्वेस्ट एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। ये सॉन्ग कैसा है और ये सॉन्ग बनता है रिकॉर्ड्स का है, सो बहुत टाइम पहले रिलीज हो चुका है, लेकिन मैंने इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया था बिकॉज उस वक्त हम लोग एमिलेक के एल्बम के ऊपर रिएक्शन दे रहे थे, सो इसलिए। एंड ये जो सॉन्ग है उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज आ चुके हैं, 29 अगस्त का है। लेट्स सी गाइस हाउ इट इज। बेबी आती मुझे रोज वाइब, स्टूडियो में डेली ऑनलाइन, जल्दी आता नहीं ऑनलाइन, बिजी मेकिंग म्यूजिक होल टाइम। ये बेबी आती मुझे रोज वाइब, स्टूडियो में डेली ऑनलाइन, जल्दी आता नहीं ऑनलाइन, बिजी मेकिंग म्यूजिक होल टाइम। ये बेबी आती मुझे रोज वाइब, स्टूडियो में डेली ऑनलाइन, जल्दी आता नहीं ऑनलाइन, बिजी मेकिंग म्यूजिक होल टाइम। ये पॉजिटिविटी भरी मेरे अंदर काफी, बंदा मैं अहिंसावादी, पसंद नहीं बीफ बे, प्यार से ज्यादा नहीं लगे पैसा प्यारा हनी, आई डोंट केयर ऑफ मनी, ऑल आई वांट इज पीस। ये जीत है मेरे भाई, खड़े सारे सही रहा जो बता रहे, जलने वाले मेरे नीचे नीचे, उनकी सोच दारू बंदी से ना आगे कभी बढ़ती, तभी रह गए सारे पीछे। Let's go with the flow, जाहिल नहीं बनता है काबिल बनो, सपनों को चेस करो शातिर बनो, जिस चीज को चाहो वो हासिल करो, रोज हसल हर दिन करते ग्राइंड भी, ईगो बताते थे जो नाउ दे या काइंड टू मी, एक्स का टेक्स्ट कहती मुझे मिलना, I'm busy making music, I don't have time to meet। आती मुझे रोज वाइब, स्टूडियो में डेली ऑनलाइन, जल्दी आता नहीं ऑनलाइन, बिजी मेकिंग म्यूजिक होल टाइम। ये घर से दूर, जिम्मेदारियों से दूर नहीं, टूट के बना मैं हुआ कभी चूर नहीं, माँ करती फिकर मैं अकेले कैसे रहता, माँ म्यूजिक मेरे साथ, मैं खुश हूँ मजबूर नहीं, हाइप का शौक नहीं, ना देखे अपना फायदा, मेरा भाई मास्टर शेफ देता हर गाने में जायका, शौक है काफी पर सबर उससे ज्यादा, लेना घर लेना गाड़ी मेरी खुद की कमाई का, खुद के जख्मों पे खुद मर्ज लगाए है, खुद से किए थे जो वादे निभाए है, आंखों ने काफी सपने सजाए है, साथ था ना कोई खुद का साथ देते आए है। बेबी आती मुझे रोज वाइब, स्टूडियो में डेली ऑनलाइन, जल्दी आता नहीं ऑनलाइन, बिजी मेकिंग म्यूजिक होल टाइम। ये बेबी आती मुझे रोज वाइब, स्टूडियो में डेली ऑनलाइन, जल्दी आता नहीं ऑनलाइन, बिजी मेकिंग म्यूजिक होल टाइम। ये बेबी आती मुझे रोज वाइब, स्टूडियो में डेली ऑनलाइन, जल्दी आता नहीं ऑनलाइन, busy making music all time, yeah, all night। I mean guys, ये जो song था, I mean ये first time है मैंने यंग गालिब के song के reaction लिया है, and मुझे लगता है कि जैसे मैं हैला के time पे कहा था कि वो उस वक्त का first song था जो मैंने उसको reaction लिया था, and ये भी ये first song है यंग गालिब का जिसके ऊपर reaction लिया, and जो voice है बहुत ही कमाल है, soothing voice थी actually। एंड ये जो सॉन्ग है उसका फ्लो बहुत कमाल था, म्यूज़िक बहुत अच्छा था इसका, तो एक टाइप की जो उसकी वाइब थी वो बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छे वाली थी एक्चुअली, सूथिंग। एंड अगर आप कुछ यू नो कॉन्शियसनेस वाला, अगर आप कुछ फोकस वाला काम कर रहे हो तो ये सॉन्ग बैकग्राउंड में बज रहा है, तो आप सच में बहुत ही आराम से काम कर पाओगे एक्चुअली। एंड आई थिंक यंग गालिब जो है वो बिल्कुल अपोजिट है हैला के अपोजिट एक्चुअली, बिकॉज हैला की जो वाइब्स है, हैला एक अलग ही यू नो चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है, तो मतलब ये दोनों बंदा रिकॉर्ड्स के ही है, सो दिस इज़ ग्रेट थिंग कि मतलब जो वैराइटीज़ है बंदा रिकॉर्ड्स के रैपर्स में एक्चुअली, एंड दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ दिस रिकॉर्ड एक्चुअली। और ये बहुत ही कमाल सॉन्ग था एक्चुअली ऑल नाइट। तो जो बेसिकली ये जो सॉन्ग था वो यही था कि रैपिंग म्यूज़िक ये उन लोगों की जिंदगी के पार्ट है, और किस टाइप से वो अपना पूरा जो दिन है वो गुजारते हैं, दिन महीने यू नो ऐसे सेम वाइब जो है वो एमिलेक के भी है, वो पूरा दिन यू नो लाइक उनके पहले के जो सॉन्ग थे वैसे ही हुआ करते थे कि लाइक उनका पूरा जो दिन है वैसे जाता है कि गाना लिखो फिर राइम एंड देन म्यूज़िक बनाओ रिकॉर्ड करो और फिर पब्लिश करो, तो वो जो एक आर्टिस्ट की एक लाइफ होती है ना वो यहाँ पर दिखी हम लोगों को, कि ऑनलाइन ही बहुत देर जाता हो बिकॉज यू नो ये सारा जो काम होता है। आई थिंक मैंने ये सॉन्ग पहले चूज़ किया है, मैं इसके ऊपर रिक्वेस्ट आई थी,
दिस इज़ परफेक्ट बिकॉज जो इंट्रोडक्शन होता है किसी रैपर का उसके लिए बहुत ही कमाल सॉन्ग है। मतलब फर्स्ट सॉन्ग मैंने यही सुना। मैंने अभी तक यंग गाली के किसी और सॉन्ग पर रिएक्शन नहीं दिया है बिकॉज अभी सुना भी नहीं है अभी तो। मतलब यंग गाली क्या वाइब्स है एज अ रैपर वो देखना पड़ेगा एक्चुअली। बट ये सॉन्ग बहुत ही सूदिंग था, बहुत मज़ा आया सुनने में। म्यूजिक इसका बहुत अच्छा था, एक टाइप वाइब्स जो थी। इवन द जो सिनेमाटोग्राफर होगा जिसने डायरेक्शन किया इस पूरे वीडियो का वो भी बहुत कमाल है बिकॉज जो म्यूजिक है जो वॉइस है उसके साथ पूरा जो सेट था वो भी एकदम परफेक्ट लग रहा था। ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा ही यू नो। तो ऑब्वियसली दिस इज़ सो नाइस एक्चुअली, और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है एक्चुअली इस सॉन्ग को एंड सबके सामने रखा गया। दिस इज़ रियल नाइस। सो गाइज एमिलेक, आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो मैंने एक क्लियर कर दी। और भी अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो किसी सॉन्ग के ऊपर तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे नेक्स्ट कौन सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन लेना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। सब्सक्राइब करते रहना और अपने दोस्तों को भी भेजो एक्चुअली, और कहो कि इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें तो हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। थैंक यू।